सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का एक शख्स था जो उसके बीबी के पेट में बच्चा था, वो चला गया उसकी बीबी और उसने क्या कहा, ए अल्लाह मैंने इस मेरे अपने बच्चे को तेरे हवाले किया, ही अमानिल्लाह। वो शख्स ये जुमला बोल के चला गया, जैसे ही वो गया और वापस आ रहा है, गौर से सुनो मेरी बात को, जब वो शख्स कुछ दिनों के बाद परदेश से वापस आता है, क्या देखता है, उसकी नजर क्या देखती है, यार देखो मेरे उसके कुछ दिनों के बाद जब घर लौटता है, अपने गांव में उसकी एंट्री होती है, देखा क्या मेरे दरवाजे पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग रुक रहे हैं। उसने रुकने के बाद से अपने दरवाजे पे लोगों से पूछा, ए यारो बताओ तो सही क्या मामला है। लोगों ने कहा, बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी बीबी का इंतकाल हो गया, इतना सुनना है। अब वो रोने लगा, कहा कि मिट्टी कहाँ दिए हो, कहा कब्रिस्तान में दिए हैं। वो चला गया, कब्र ताजी है, मिट्टी दे दूं, तब तक कब्रिस्तान में जाता है, गौर से सुनिएगा। जैसे ही कब्रिस्तान में पहुंचता है, अचानक उसकी नजर क्या देखती है, एक ताजी कब्र पे पड़ती है, उसके करीब जाता है। अब करीब जाने के बाद से क्या देखता है, यार कब्र के ऊपर एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है। अब वो परेशान हो गया, यार इस आपका ताजी कब्र है, यही मेरी बीबी की कब्र है और इसके ऊपर एक बच्चा खेल रहा है। अचानक उसके कान में आवाज आती है हाथी बेगैबी से, जवान घबराने की जरूरत नहीं है, वो बच्चा उठा ले, वो तेरा बेटा है। वो घबराया हुआ है, ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है। कहा नादान, वो जुमला याद कर, जब तुम परदेश जा रहा था तूने कहा था फी अमानिल्लाह, ए अल्लाह मैंने अपने बच्चे को तेरे अमान में दिया, जा अगर तू अपने बीबी को अपने बच्चे को दिया था, अपने बीबी को दे दिया होता, तो जब तक तू नहीं आता तेरी बीबी तेरा इंतजार करती। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप जरा सोचो, अगर कोई जाता है परदेश, औरत जाती है, आज समाज का हाल ये हो गया है, औरतें कहती है तू मर जा, आज समाज का हाल ये हो गया है, औरतें कहती है तू वापस लौट के ना आ, ऐसे जुमलों से खुदा की कसम अपने औरत को रुख, अपने शौहर को रुख सकता करो, इसलिए कि